आइए आत्मा भागलपुर द्वारा यहां जैविक सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों से सुरेश रजक जैसे किसानों के जीवन में आए बदलाव सहित आत्मा भागलपुर के प्रयासों पर हम आपको मुकुंदपुर पंचायत के पूर्व सरपंच चंद्रकिशोर राय की राय से रूबरू कराते हैं। सुरेश रजक हैं, पिता इनका सुरती रजक है। ट्रेनिंग में जो बताया गया कि जैविक खेती के ऊपर समूह के सारे लोग थे, ये भी समूह के सदस्य हैं। इनको चूँकि पशुपालन था पूर्व से ही, और उस पशुपालन से जो गोबर हुआ वो जैविक खाद बनाने का जो ट्रेनिंग दिया गया समूह के द्वारा और सलाहकार एग्रीकल्चर ऑफिसर सारे लोग आए हुए थे, तो उन्होंने जो इन लोगों को बताया समूह में लेके, या सारे लोग हम लोग भी उपस्थित थे उस समय, तो इन्होंने उस पर जो है जैविक खेती के माध्यम से टमाटर सब्जी का, बैंगन का और अन्य प्रकार के सब्जी भी छोटे मोटे तौर पर जैविक रूप खाद का उपयोग करके किया है, जिसमें इनको काफ़ी सफलता मिली है सुरेश रजक जी को। और ये बड़ा मेहनती किसान हैं, और मेहनती होने के नाते इस पर ये बहुत आगे इनको बहुत फायदा मिल रहा है। किसान की परेशानी को देखते हुए जो सरकार ने कदम जैविक खेती के माध्यम से उत्पादन करने का किया है, उसमें बहुत अमूल परिवर्तन हुआ है। किसानों को राहत मिली है, सहायता जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उसका फायदा किसानों को मिल रहा है। वो पशुपालन विभाग हो, वो सब्जी की खेती हो, वो मकई की खेती हो, गेहूं की खेती हो, जितनी भी प्रकार की यहाँ खेती होती है, रैचे की खेती होती है, सब में मना जैविक खाद के माध्यम से जितना मना लोगों ने उत्पादन किया, इन लोगों ने इनका जो आय है अभी जैविक के कारण दूना हो गया है। जो सरकार का स्कीम था कि हम किसानों की आय में दोगुनी करेंगे, उस ओर कदम सुरेश रजक जी ने बढ़ा लिया है। ये जैविक खेती पर पूर्ण रूप से आधारित हो गए हैं, चूँकि एक गरीब किसान थे, अब जैविक खेती चूँकि पशुपालन ये करते हैं तो गोबर इनका इनको होता ही है, उसका उत्पादन जैविक खाद के रूप में ही करते हैं, तो इनकी आय में वृद्धि हो गई है। अब जो है राहत कुछ मिलने लगा है, इनको परिवार को लेकर के चलने में कठिनाई दूर हो गई है। जो रासायनिक खाद है उसको छोड़ के हम लोग बर्मी कंपोस्ट को यूज करवा रहे हैं, सब लोगों को समझा बुझा के कि बर्मी कंपोस्ट जो है ये एग्रीकल्चर खाद है, अपना खाद है, इसको बना करके और सरकार के द्वारा जो हम लोगों को बताया गया है और जो हम लोग न्यूज में सुनते हैं, और ट्रेनिंग भी यहाँ चली थी लोगों को, समूह के लोगों को है ट्रेनिंग दिया गया था, उसमें सारे लोगों ने ट्रेनिंग लिया और उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। लोग जो हैं पशुपालन करते थे, गोबर जो है गोइठा बना के जला देते थे, जलावन में यूज करते थे, अब वो नहीं करते हैं, वो बर्मी कंपोस्ट बना करके वो सब्जी की खेती या मकई की खेती, गेहूं की खेती में जो है रसायन रहित खाद से गेहूं का, मकई का, सब्जी का उत्पादन शुरू कर दिया है।